जिसके पास फोन है साउंड चेक करो एक बार, चेक द साउंड। हाँ सर दिख रहा, दिख रहा। हाँ पूरा दिख रहा। हाँ सर वहाँ तक लाइन मारो उधर। हाँ सर। हाँ राइट।
ऑप्शन नंबर सी सर। माइक आपने वो म्यूट तो नहीं किया ना, तो बाद में पता चलेगा। हेलो हेलो हेलो, आवाज वाड़ो बेसन वाड़ो भैया फुल नहीं सके सर, नहीं जा रहा। हेलो आ गया अब भाई, एवरीथिंग इज ओके। ओके सर, दो सवाल म्यूट म्यूट पे चल रही थी, दो सवाल से तीसरा सवाल ले। गिवन ए इज इक्वल टू गिवन 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 जी आई वी एन ए इज इक्वल टू टू आई कैप माइनस जे कैप प्लस टू के कैप एंड बी इज इक्वल टू माइनस आई कैप माइनस जे कैप प्लस के कैप डिफेक्टर ऑफ ए माइनस बी इज। द यूनिट ऑफ मास वेक्टर बी इज, द ऑप्शंस आर थ्री आई गेस के कैप ऑफ रूट ऑफ टेन सेकंड ऑफ थ्री डिवाइडेड बाय रूट ऑफ माइनस थ्री आई के माइनस के रूट विच ऑप्शन सर। इंटरनेट कनेक्शन ऑप्शन, यू श्योर यू श्योर? लेट्स चेक इट आउट। अरे सर कनेक्शन प्रॉब्लम, बैंडविड्थ इज लो, ऐसा थोड़ी होता है। अरे शर्मा सर नेटवर्क गंदा आ रहा है, आ तो रहे आ रहे ना, तो ये क्यों बोल रहे
हाँ लिख रहा है सर। अब अच्छा कर दिया डर के मारे मेरे। चलो जल्दी बोलो, ए माइनस भी निकालो पहले, ए माइनस बी माइनस करना आता है सबको। ए माइनस बी देखो, टू माइनस वन थ्री, टू माइनस वन थ्री, माइनस माइनस जीरो और प्लस के कैप, क्लिक कर गया सबको। अच्छा क्या पूछा इसका, यूनिट वेक्टर है तो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होता है, थ्री आई के डिवाइडेड बाय थ्री स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर, तो थ्री आई केप के केप डिवाइडेड बाय नाइन वन टेन, विच ऑप्शन फर्स्ट। आगे चले, लिख लिया भाई क्वेश्चन, नेक्स्ट लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा। बहुत सारे हैं यार इसमें क्वेश्चन, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। अरे बुक से क्या लेन देना, अपन बुक कैसे, नाम नहीं आया है, बिना नाम की है, मिल गई एक दे दी तुम्हें, इतने सवाल करा दिए वेक्टर के, तुम वो कर लो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। कोई नहीं चल आगे चलो, किसी को नहीं आ रहा हो तो मुझे बोल देना बेटा यार, अब कमजोरी रह गई तो फिर मैं कुछ नहीं बोल सकता, फिर कुछ नहीं कर पाऊंगा। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, ये सवाल हर हर एग्जाम में है, तब बेकार सवाल है देखो तुम फालतू का। इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय, रिप्रेजेंटेड बाय 0.5 आई केप माइनस 0.8 जे केप, फाउंडेशन वालों को इसका आंसर भी पता होगा, अभी देखते ही बोल देंगे। देन वैल्यू ऑफ सी इज फर्स्ट वन, सेकेंड 0.11, 0.01, 0.39। हाँ जी बोलो, इफ अ यूनिट वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय दिस देन द वैल्यू ऑफ सी इज, क्या करेंगे रे? और फिर तेरा आंसर बोल दे सीधा, नहीं नहीं करके बता, इसका मैग्नीट्यूड निकाल करके वन कर देंगे। सीख गया मैं आज तो, चलो रूट ऑफ 0.5 स्क्वायर माइनस 0.8 स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये हुआ इसका यूनिट वेक्टर वन है ना भाई, तो अपन क्या करें इसका मैग्नीट्यूड वन होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड निकाल दिया अपन ने, कहाँ गया हो? तो सुशांत सिंह 0.5 का स्क्वायर बताया जाए, स्क्वायर बोल इसका, 0.25 नहीं बोलना, 25 बोलना, डेसिमल के बाद के जो डिजिट होते ना उनको डिजिट वाइज बोलते हैं, 25 नॉट 25, 0.25 बताओ, आप बताओ इसका माइनस 0.8 का स्क्वायर 0.64 नहीं बोल बेटा 0.64 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ये ऐड करो दोनों कितने बन, कितना 0.8 प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल टू वन, तो सी स्क्वायर वन माइनस 0.89 11 नहीं बोल, वन वन बोल,
C is equal to root of 0.11 is answer. Option is 2. Next, the vector sum of टेन न्यूटन एंड वही पढ़ दो क्या लिख रहे हैं अब एक टेन है तो दूसरा थीटा कैसे हो सकता है वो भी नंबर ही होगा ना सिक्स एस एट वो तो मान ली बात में थीटा दिख रहा लेकिन एक टेन है तो दूसरा थीटा नहीं हो सकता ना एक एंगल और एक नंबर कैसे हो सकता है बुद्धि लगाओ कॉन्सेप्ट टेन न्यूटन एंड अब तू बोलेगा जो लिखूंगा सिक्स एट बोल सिक्स एट अबे सिक्स या एट सहा या आठ सम ऑफ टेन न्यूटन एंड सहा न्यूटन इज कैन बी लिख रहा है उसने कैन बी इज नहीं लिख रहा कैन बी इनमें से क्या हो सकता है इसका कंसेप्ट सिखाया था मैंने फर्स्ट ऑप्शन दे रखा है टू न्यूटन एट न्यूटन एटीन न्यूटन ट्वेंटी न्यूटन कैसे हाँ पी माइनस क्यू और पी प्लस क्यू के बीच ही लाई कर सकता है पक्का गुड याद रखना इसलिए मैंने करवाया तुम्हें याद बताया एक और सवाल हो जाए ऐसा लिखो मैं लिखूंगा नहीं आलस आ रहे हैं लिखो एक और है ना सब बताना एक सुर में द वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट बी 6 न्यूटन कैन नॉट बी पहले सोच लो आंसर एक साथ आना चाहिए सुबह सुन लो वेक्टर सम ऑफ टू फोर्सेस 10 न्यूटन एंड 6 न्यूटन कैन नॉट बी मतलब कौन सा नहीं हो सकता ऑप्शंस फर्स्ट फोर नहीं हो सकता मैंने नहीं हो सकता पूछा है एट न्यूटन 12 न्यूटन टू न्यूटन नहीं हो सकता क्योंकि 10 माइनस 6 4 10 प्लस 6 16 4 और 16 के बीच ही आएगा वो हो सकता है आर्थिक समझे बेटा क्या कह रहा हूं दो दे रखे ना पहले दोनों को माइनस कर दो फिर दोनों को प्लस कर दो दोनों को माइनस किया तो क्या आया 4 दोनों को प्लस किया तो क्या है 16 तो इसका मतलब जो होगा वो क्या होगा 4 और 16 के बीच ही होगा नाइस हाँ एक और फिर घुमा के पूछता हूं सेम सवाल which of the following pair of forces will never give following pair of forces will not give resultant force of 2 newton and options are मतलब 2 न्यूटन एंड 2 न्यूटन
1 न्यूटन एंड 1 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 3 न्यूटन, 1 न्यूटन एंड 4 न्यूटन. किस पेयर का रिजल्टेंट 2 नहीं हो सकता? पहले वाले का क्या रेंज हुई? 0 से 4 तक. इसकी क्या रेंज हुई? 0 से 2 तक. इसकी क्या रेंज हुई? 2 से 4 तक. इसकी क्या रेंज हुई? 3 से 5 तक. क्योंकि सब में 2 आ रहा है कहीं कहीं ना, यहां भी 0 से 2 के बीच में 2 आ जाए. चलो नेक्स्ट नेक्स्ट. इसका कंसेप्ट मैंने सिखाया, देखते हैं किस किस को याद रहा. लिखो, 2 forces. लिखो, 2 forces ईच न्यूमेरिकली इक्वल टू टेन डाइन. एक डाइन किसके बराबर होती है? डाइन आर एक्टिंग एज शोन इन द फॉलोइंग फिगर. Their resultant is first option 10 dyne, second option 20 dyne. अभी फिगर बनाते तुम आंसर बता दोगे. 10√3 dyne, 4, 5 dyne. क्या ये कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ है कि two forces equal in magnitude acting at an angle? लेकिन आप डायग्राम देख करके दिमाग लगाइएगा, बुद्धि लगाने के लिए भी बुद्धि चाहिए. जो इसका आंसर बता देगा उसको 5 पैसे इनाम. पूरे 5 पैसे दूंगा खुले. ये तो पक्का है 2 इक्वल है. 2a cos theta by 2. कॉन्सेप्ट क्या हुआ? 2 इक्वल वाले में क्या करते हैं अपन? 2a cos theta by 2 करते हैं ना. तो 2a cos तो दिख रहा है, 2 भी दिख रहा है, a भी 10 न्यूटन दिख रहा है, और cos theta by 2, तो what is theta? गलत जवाब. नो, ये भी गलत जवाब. 120. मैंने कहा था बुद्धि लगाओ. एरो किधर लग रहा है? ऐसे ही होता है बड़े बड़े शहरों में, छोटी छोटी बातें. ध्यान से देखो, देखो इधर, देखो बेटा, तुमको रेड पेन लेता मैं. इधर देखो, ये जो है ये वेक्टर ऐसे है ना भाई, ऐसे है. इसका मतलब इन दोनों के बीच का एंगल तो ये हुआ ना. तो ये कितने डिग्री का एंगल है? 120. तो क्या करेंगे अपन? 2 × 10 × cos 120/2. तो 2 × 10 cos 60 की वैल्यू 1/2. 2 ने 2 को मार दिया. आंसर इज 10. क्लिक होगी बात? तो डायग्राम देख करके हमें एंगल भी देखना पड़ता है, एरो किधर लग रहा है. सच बताओ, किस किस को क्लिक नहीं कराता है? किसी को भी नहीं कराता, लेकिन तुम्हें कराया मैंने ऐसे सवाल. नो थैंक यू, भूल जाते हो तुम. हाँ, नहीं किया था.
सर आपने ये क्या है, क्या बात करता है? अच्छा तो एरो का ऑब्वियसली भाई ये बताने की बात थोड़ी है, बुद्धि लगाओ, फॉर्मूला तो आता आ गया सबको, फॉर्मूला तो तुम्हें पता ही है भाई, दो इक्वल फोर्स है, सर ने बोला था दो इक्वल फोर्स हो तो 2a cos थीटा बाई 2 कर दो और उसका जो डायरेक्शन है वो एंगल बाइसेक्टर पर आ जाएगा, ये तो ठीक है, समझ में आ गई, तुम्हें याद भी है सबको, आई एग्री, लेकिन ये तो देखना पड़ेगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, उन दोनों के बीच का एक न्यू होता है, वो दोनों न्यू होते हैं तो फिर बोल भी 60 डिग्री, लेकिन एक तो न्यू जा रहा है ना, तो उसको तो उसके अकॉर्डिंग बनाना पड़ेगा ना नया वेक्टर भाई। नेक्स्ट लिखो, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज आर वन, द रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी इज आर वन, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी, ऑन रिवर्सिंग द वेक्टर बी द रिजल्टेंट बिकम्स आर टू, द रिजल्टेंट बिकम्स आर टू, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, what is the value of r1 square plus r2 square, and your options are a square plus b square, a square minus b square, 2 times of a square plus b square, or 2 times of a square minus b square, 2 times of a square plus b square. बच्चों चलो क्वेश्चन लंबा है और काफी करवाया शायद ऐसा क्वेश्चन पहले ना, चलो जिसको नहीं आया चेक करो बेटा, ए और बी का रिजल्टेंट आर वन है, ए का और बी का रिजल्टेंट क्या है आर वन, इसका मतलब क्या हुआ कि आर वन इज इक्वल टू ए प्लस बी, यही हुआ ना भाई। अब आर वन स्क्वायर निकालना है, मैंने बताया था आपको आर वन स्क्वायर का मतलब क्या हुआ, आर वन डॉट आर वन डॉट प्रोडक्ट ए बी कोस थीटा, जब दो वेक्टर सेम होते हैं तो सेम डायरेक्शन होते हैं, एंगल क्या होता है उनका जीरो है बेटा, तो आर वन डॉट आर वन, इसका मतलब क्या बोलो कि ए प्लस बी, ए प्लस बी इनका डॉट प्रोडक्ट करना है, स्क्वायर नहीं है, ए डॉट ए, ए डॉट बी, बी डॉट ए, बी डॉट बी, यही होगा। चलो ए डॉट ए का मतलब ए स्क्वायर, ये ए डॉट बी, बी डॉट बी, बी डॉट ए की बात है, याद करो कमिटेटिव प्रॉपर्टीज अप्लाइड इन, कमिटेटिव प्रॉपर्टी अप्लाइड इन डॉट प्रोडक्ट, तो इसका मतलब ए डॉट बी, बी डॉट ए सेम ही है, तो इसको टू टाइम्स ऑफ ए डॉट बी लिख सकते हैं, पक्की बात, बी डॉट बी क्या हो गया, तो इसको टू ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं, टू ए बी कोस थीटा लिख सकते हैं। चलो अब बोलो आर टू स्क्वायर, इसका मतलब आर टू डॉट आर टू, अब रिवर्स कर दिया हमने, बी को क्या कर दिया, माइनस कर दिया, ऑन रिवर्सिंग बी, बी जो था उसको ऊपर ने रिवर्स कर दिया, मतलब नेगेटिव साइन कर दिया, अब बोलो तो ए डॉट बी माइनस ए डॉट बी, तो क्या लिखेंगे, ए डॉट ए माइनस बी माइनस बी डॉट ए माइनस बी डॉट बी माइनस ए, तो माइनस माइनस प्लस हो गया ना, बोलो ए स्क्वायर माइनस टू ए डॉट बी प्लस बी स्क्वायर, इन दोनों को प्लस कर दो, ये तो कट जाएगा बीच वाला, तो टू ए स्क्वायर प्लस टू बी स्क्वायर, टू कॉमन ले लेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना बेटा। चलो फटाफट लिखो जिसको नहीं आता,
ये बेटा डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट कैसे करते हैं अपन, ए डॉट ए, ये वो बोला उसने ऑन रिवर्सिंग बी, बी को रिवर्स करने से नया जो रिजल्टेंट है वो आर टू है, तो जो बी को माइनस कर देते हैं आर वन की जगह क्या बन गया आर टू। हो गया पूरा करूं क्या, हो जाएगा ना, प्लस कर देंगे ना बेटा, तो माइनस टू ए डॉट बी प्लस टू ए डॉट बी कैंसिल हो जाएगा, टू ए स्क्वायर टू बी स्क्वायर टू कॉमन ले लेंगे तो आंसर कौन सा होगा। नेक्स्ट, इफ वेक्टर्स पी क्यू एंड आर P, comma, Q and R have magnitudes 5, 12 and 13. 5, 12 and 13 units. Okay. And condition hai ki P plus Q is equal to R. The angle between Q and R. The angle between Q and R, दिमाग लगाओ, सवाल है, हल्का नहीं है। Cos inverse 5/12, cos inverse 5/13, cos inverse 12/13, और cos inverse 2/13. Try it out. At what angle must be two forces x plus y and x minus y act so that the resultant may be root of x square plus y square, and the options are cos inverse minus x square plus y square upon 2x square minus y square, cos inverse minus 2x square minus y square divided by x square plus y square,
cos inverse minus x square plus y square divided by x square minus y square 4 cos inverse x square minus y square divided by x square plus y square. इतना बड़ा सवाल देखते डर लगे, अरे भाई इतने बड़े बड़े ऑप्शन आएगा ही नहीं, ये तो इतना खतरनाक। उंदाला आ गया, उंदाला है ना पक्का? देख ले तू, सोच ले तू एक बार। महेश बताएगा, महेश ऑप्शन बोल। महेश अब ये फिजिक्स नहीं है, अब ये मैथमेटिक्स बन गया। P दे रखा है, Q दे रखा है, R दे रखा है, cos theta निकालना। फॉर्मूला R is equal to P square plus Q square 2PQ cos alpha। देखते हैं मैथ्स किस किस का बढ़िया है, मैथ्स चेक करते हैं आज तुम्हारा मैथ्स। R, what is R? X square plus Y square का whole square is equal to P x plus y square q minus y square 2 x plus y x minus y cos of alpha solid। a plus b का स्क्वायर बोलो, x square plus y square plus 2xy x square minus 2xy plus y square प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोस ऑफ अल्फा। क्या क्या कट गया? ये कैंसिल, एक दो एक दो, क्या बचा है? माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर कोस ऑफ अल्फा। तो कोस अल्फा इज इक्वल टू माइनस x square plus y square divided by 2 times of x square minus y square. So alpha is equal to cos inverse minus x square plus y square 2 times of x square minus y square. Which option? जिसका कोई काम नहीं है, सीधा सीधा मैथमेटिक्स से p दे रखा है, q दे रखा है, r दे रखा है, अल्फा निकाल। एक सवाल है इसमें, मुझे लग रहा है ये सवाल गलत हो सकता है, सही भी हो सकता है, चेक करते हैं।
ये क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, सही भी हो सकता है, अपन चेक कर लेते हैं, क्योंकि इसने ए और बी का बीच का रिलेशन नहीं दिया, बी और आर के बीच रिलेशन दिए। इन डायग्राम, इन वेक्टर डायग्राम ऐसा कुछ है, देखो इन वेक्टर डायग्राम शोन इन फिगर, shown in figure where R is the resultant of force, is the resultant of, अरे बातें नहीं कर बेटा, vectors A and B if R is equal to B by root 2, the value of theta is, Krishna Bhosle, डायग्राम भी दिया उसने हमें, ऐसा कुछ बना रखा है, यहां लिख रहा है B, यहां लिख रहा है A, यहां लिख रहा है R, यहां लिख रहा है theta, और ऑप्शन है 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 75 डिग्री, 75 तो होगा ही नहीं, पक्की बात है। मुझे जो लगता है, जो कुछ मुझे कुछ भी नहीं लगता है, नहीं कुछ लगता है, इसने रिलेशन नहीं दिया, इसका मतलब कुछ ना कुछ कैंसिल होगा इसमें, है ना, देख तुम है ना वही लगाओ अपना आर इज इक्वल, पक्का, लेट्स चेक, चलो करेंगे, ट्राई करेंगे, किसी ने किया क्या, कृष्णा हाउ डू यू से 45, लॉजिक बोल, क्यों देखो, विल यू गिव मी योर कॉपी, लॉजिक पक्का, हाँ ट्राइंगल तो लगाना ही पड़ेगा, ये भी ठीक है। अच्छा बेटा तू पहले का देख के बोल रहा है, मैं सोचा तू खुद बता रहा है लॉजिक, मेरी आंखों में मिर्ची, देखिए अगर मैं बोलूं कि कोस थीटा, मैं बोलूं कोस थीटा बोलूं तो बेस अपॉन हाइपोटेनस लिखना पड़ेगा, यानी कि ए का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय बी का मैग्नीट्यूड, हमारा कुछ भी सोल्व होने वाला नहीं, देखना ध्यान से। लेकिन अगर मैं बोलूं कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर क्या है आर, इसका मैग्नीट्यूड अपॉन हाइपोटेनस का मतलब, लेकिन आर क्या दे रखा है अपन को, बी बाई रूट टू, और बी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ, बी से बी मर गया, तो साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2, और साइन में 1/√2 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री, किससे थीटा क्या हो जाएगा, क्या इसका और भी लॉजिक हो सकता है, कृष्णा मैच तू कर जल्दी से ना, वो जो आर इज इक्वल टू पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 2 पी क्यू कॉस थीटा है ना, उसमें आर की जगह बी बाई रूट टू लेकर के सोल्व कर दो फटाफट,
क्या क्या आया? पंज मिनट अभी क्यों तुम्हारा टाइम 4:30 तक है? तो बारह वाले जल्दी कैसे आ गए? नहीं वो तो दे रखा है ना बेटा, आर ए प्लस बी इक्वल टू आर दे रखा है, कुछ करना ही नहीं देखो, ट्राइंगल ला लगा, ए और बी सेम सेंस में, आर अपोजिट सेंस में, तो आर इक्वल टू ए प्लस बी आएगा, है ना? कोई लिखना मत इधर, मैं कर रहा हूं दूसरा लॉजिक ना, करना मत। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस थीटा, ये हो गया बी स्क्वायर बाई टू, फोर नहीं रूट टू है ना नीचे, बी स्क्वायर बाई टू माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर कर देना, ए स्क्वायर प्लस टू ए बी कोस ऑफ थीटा, ये हो गया माइनस बी स्क्वायर बाई टू माइनस ए स्क्वायर, नहीं नहीं होगा ही नहीं सवाल ही पर, ये ठीक है। एक और लगाएंगे, ये तो सही है, अपन मतलब डिफरेंट लॉजिक लगा के देखते हैं ना, और क्या हो सकता है? देखिए इधर ये क्या है, ये क्या है, ये क्या था यहां पर, ये क्या हुआ, ये क्या है, ये क्या है, और इसके साथ कितना बना रहे है? 90 degree, वो फॉर्मूला बोल, tan theta is equal to q sin alpha p plus अहिया के tan theta का tan 90, tan 90 का मतलब infinity, infinity का मतलब 1/0, infinity का मतलब 1/0 q, q का मतलब b sin alpha upon a plus b cos alpha, not alpha, 180 minus alpha, क्या कोई लॉजिक बनता है? नहीं बनता है तो क्यों नहीं बनता, और बनता है तो क्यों बनता? नहीं बनेगा, ये ठीक, एक ही आएगा भाई, नहीं क्यों बताओ क्यों नहीं बनेगा, क्योंकि है ना इधर a प्लस बी कोस 180 माइनस अल्फा, कोस 180 माइनस अल्फा इज व्हाट बताओ ना, कोस 180 माइनस अल्फा माइनस कोस अल्फा या साइन अल्फा, अच्छा माइनस कोस अल्फा, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, ये बातें किस किस को नहीं आती रही, मैं बोलता हूँ फालतू बातें, 90 प्लस थीटा माइनस थीटा 180 प्लस थीटा, किस किस को नहीं आती, सबको आती है, जवाब दे, हाँ भर रहा है ना तू, थोड़ी थोड़ी क्या होती है, याद कर उसको, अरे ये लिखने से नहीं याद, ठीक छोड़ो नहीं लगेगा, और कोई लॉजिक ही चलेगा, नेक्स्ट लिखो, मैं सोच रहा था और कोई इजी, क्योंकि क्या भूल सकते हो तुम ये बात ना, तो मैं सोच रहा था कोई अलग से ट्रिक लग जाए तो ज्यादा बढ़िया रहे, चल ठीक है कोई बात नहीं, और करते हैं बढ़िया बढ़िया सवाल, रिजल्टेंट ऑफ ए परपेंडिकुलर टू बी फालतू का सवाल, इफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू, ये कोई भी आंसर दे देगा इसका यार, बताऊं क्या, अगर कोई बिना देखे आंसर दे देगा ना तो मान जाऊंगा तुम्हें, क्वेश्चन लिखता हूं मैं, 38 लॉजिक है, लॉजिक इफ ए प्लस बी के आसपास दो डंडे इज इक्वल टू ए के दो डंडे इज इक्वल टू बी के दो डंडे, देन द एंगल बिटवीन, देन द एंगल बिटवीन
हाँ बोल बिटवीन ए एंड बी 0 degree 60 degree 90 degree 120 degree बताओ क्वेश्चन क्या है मैंने कराया था कि अगर दो वेक्टर है जिनका मैग्नीट्यूड इक्वल है और उनके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी उनके बराबर ही है तो एंगल क्या होगा क्वेश्चन कराया था मैंने याद करो हाँ कि रिजल्टेंट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स इक्वल इन मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू द आइदर वेक्टर देन द एंगल बिटवीन देम इज वही सवाल है इसको घुमा फिरा के दे दे ऐसे ठीक है लॉजिक आर बी पी ए बी पी बी बी पी उस फॉर्मूले में रख देना तो कुल मिलाकर के आ जाएगा 120 degree वन वन टू टू फोर का टू बहुत तो बढ़िया मैं पहली बार नांदेड़ आया था ना जब भार्गव सर ने दी थी मेरे को ये सर ये बच्चों की प्रॉब्लम है सॉल्व करा दो पहली मेरी पहली क्लास जो हुई थी नांदेड़ में वो इस किताब की मेरे को दिया सर बच्चों को सवाल नहीं आ रहे ये वाले सारे करा दो आप सारे हो रहे खुश हो गए चलो अगला करते हैं लल्लू सवाल है लेकिन आया ही नीट में ना मैंने बोला था एक दिन तुम्हें ये हो जाएगा भाई मैं करूं क्या क्या करना है इसमें आर इज इक्वल टू रूट ऑफ पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर टू पी क्यू कॉस अल्फा सबकी जगह सेम रख दो काटो पीटो 180 आ जाएगा देखिए कौन बता सकता है क्वेश्चन वेक्टर पी मैक्स एंगल अल्फा बीटा एंड गामा विद एक्सिस एक्स वाई एंड जेड रेस्पेक्टिवली देन साइन स्क्वायर अल्फा साइन स्क्वायर बीटा साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू व्हाट ऑप्शंस आर किस किस को याद रहा है 0 1 2 3 याद है सबको भूल गए बताया था मैंने अच्छा क्यों होता है सर कौन बताएगा सिंस कोस स्क्वायर अल्फा कोस स्क्वायर बीटा कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू क्या होता है 1 कोस अल्फा कोस बीटा गामा को साइन में कन्वर्ट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा ठीक है बेटा और इसी बेस पे अरे इनका क्या नाम बताया था मैंने डायरेक्शन कोसाइंस क्या बोलते हैं इनको डायरेक्शन कोसाइंस तो इसके ऊपर एक और क्वेश्चन है डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर I प्लस जे प्लस रूट टू के आर ऑप्शन अजीब अजीब से 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, 1/2, 1/2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2, 1/√2
logic. पहले इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे भाई बच्चों, a इज इक्वल टू आई प्लस जे प्लस रूट टू के, मैग्नीट्यूड कौन बताएगा इसका? अंडर रूट वन का स्क्वायर, वन का स्क्वायर, रूट टू का स्क्वायर, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, फोर का टू, करेक्ट है ना बात? ओके जी, अब डायरेक्शन कोसाइन क्या बताए थे मनो? ए एक्स इज इक्वल टू ए कोस अल्फा, ए वाई इज इक्वल टू ए कोस बीटा, ए जेड इज इक्वल टू ए कोस गामा। तो कोस अल्फा क्या हुआ बोलो? एक्स अपॉन ए, एक्स क्या है? आई के आगे क्या है? वन। आई के आगे क्या है? वन। तो क्या लिखूंगा? वन। और ए क्या है? टू। तो कोस अल्फा क्या हुआ? वन बाई टू। आ रहा क्या कहीं? दो जगह आ रहा है, हाँ, फर्स्ट और थर्ड में आ रहा है। चलो भाई, कोस बीटा ए वाई बाई ए, व्हाट इज ए वाई? वन टू, वन बाई टू। कोस गामा ए जेड बाई ए, व्हाट इज ए जेड? रूट टू। अरे वन कौन बोला? तो प्यारा बच्चा है, डरता है, मैं तो गया। हाँ, ए जेड क्या बेटा? रूट टू है ना, तो रूट टू डिवाइडेड बाई ए क्या है? टू। कौन बताएगा इसका? रूट टू डिवाइडेड बाई टू वन, रूट टू का टू, टू का टू है या वन? तुम्हारी मैंने माननी नहीं है, मैंने सुशांत की मान। सुशांत तू बता बेटा क्या आएगा? रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दे तो क्या आता है? टू आता है। रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई कर दे तो रूट टू या टू? रूट टू को रूट टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? यार इधर देख, इसको मल्टीप्लाई करके आया, टू आएगा ना, पक्की बात। अच्छा, ऊपर क्या लिख रहा है? नीचे टू को तू ऐसे लिख सकता है क्या? रूट टू इंटू रूट टू लिख सकता है ना? ए कट गया तो क्या बचा? वन बाय रूट टू। इसका मतलब पहला आंसर क्या है? वन बाय टू। दूसरा वन बाय टू। तीसरा क्या है? ऐसा कहीं है क्या इसमें? ऑप्शन सी। इनको बोलते पर डायरेक्शन कोसाइंस, ठीक है? अभी डिपार्चर में क्या करना? पहले पहले चार लड़कियां नीचे जाना, ठीक है, फिर निकल जाए, फिर दूसरी चार जाना, ठीक है, और उसके बाद चार चार करके बॉय जाना, अपने अपनी गाड़ी उठाना, पीछे मुड़ तेज चल, यहाँ कोई नजर मत आना कैंपस, ठीक है? कल का टाइमिंग सुबह का है, ये गलत टाइम टेबल भेज दिया उन्होंने, आई आस्क देम। ओ ये मैंने बोला जो रिकॉर्ड हो गया इसमें।